हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत में बने हुए पहले मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे, यानी भारत में बने हुए कुछ पहले मंत्रियों के बारे में। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में भारत में बने हुए कुछ पहले मंत्रियों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे हम पहले हम जान लेते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, यानी प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दोस्तों, अब हम बात करें भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर, यानी रक्षा मंत्री की, तो वो थे बलदेव सिंह। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री, यानी पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। तो दोस्तों, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, यानी भारत के प्रथम वित्त मंत्री। तो दोस्तों, वो थे षणमुखम शेट्टी। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम रेल मंत्री। तो दोस्तों, वो थे जॉन माथाई। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ फर्स्ट मिनिस्टर्स। और दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।